मैं आज आपके साथ LGBTI इश्यूज और मीडिया के बारे में कुछ बोलने वाला हूं। इसके दो हिस्से हैं। एक है वो LGBTI एक्टिविस्ट के लिए है और दूसरा जो है वो जो LGBTI कम्युनिटीज के लोग जो अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इनके लिए है। तो पहला जो हिस्सा है वो LGBTI एक्टिविस्ट के लिए है। मैं कई बार डिबेट्स के लिए टीवी पे जाता हूँ या LGBTI एक्टिविस्ट के पैनल में बैठता हूँ। उस समय मैंने जो देखा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, इसके बारे में मैं कुछ बोलने वाला हूँ। पहली बात यह है कि जो मैंने देखा है कि कुछ LGBTI एक्टिविस्ट हमारा जो ऑपोजिट पार्टी में जो बैठे हैं उन पर पर्सनल कमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ओ यू आर सो क्यूट, हाउ सैड दैट यू आर सो होमोफोबिक, या ऐसा मत करो, डोंट मेक पर्सनल कमेंट्स। हाँ, ये मैं जानता हूं कि कुछ ऑपोजिशन के लोग पर्सनलाइज कमेंट्स करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, आप अगर कहते हैं कन्वर्जन थेरापी काम करती है, तो क्या आपका यह कहना है कि आप पर कन्वर्जन थेरापी की तो आप स्ट्रेट के गे बन जाओगे? ऐसा मत करो। आपको यही मुद्दा अगर पेश करना है तो ऐसे करो कि क्या आपका कहना है कि कोई अगर स्ट्रेट है और उस पर कन्वर्जन थेरापी का इस्तेमाल हो तो वो गे बनेगा? मेक इट जनरलाइज्ड, डोंट मेक इट पर्सनल। दूसरा मुद्दा, जब कोई रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हमारे सामने डिबेट के लिए बैठते हैं तो वो हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ ऐसे बयान दें जिससे ये साबित हो सके या वो दावा कर सके कि हम धर्म के विरोधी हैं, या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो जिससे डिबेट का रास्ता ही टोटली बदल जाए। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रिक। मैंने देखा है कि कई बार ऐसे होता है कि ओ तुम्हारा धर्म LGBT इश्यूज पे बहुत ही खराब है, मेरा धर्म आपके धर्म से तुलना में ज्यादा अच्छा है। डोंट गेट इन टू द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ रिलीजन। एक ही बात बताओ कि हमारा धर्म ग्रंथ बाबा साहब का दिया संविधान है एंड वी विल स्पीक इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस डोंट गेट कैरिड अवे बाय देयर रेटोरिक। तीसरा मुद्दा जो है वो स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के लिए है। कुछ साधु महाराज स्वामी ऐसे होते हैं कि जिनके मूर्तियों को कुछ विशिष्ट उत्सव में, जैसे कि नवरात्र में, देवी का पोशाक चढ़ाया जाता है। तो मैंने ये ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट से बहस सुनी है कि अगर उनको क्रॉस ड्रेसिंग कर सकते हैं तो हम क्यों ना क्रॉस ड्रेसिंग करें। मेरा कहना है कि ऐसी बहस मत करो। हमारा समाज सामान्य लोग, स्वामी महाराज और भगवान, इनको अलग अलग स्तर पे मानते हैं, ये सभी को समान नहीं मानते, औरत और देवी में फर्क करते हैं, अर्धनारी नटेश्वर की पूजा करते हैं लेकिन इंटरसेक्स व्यक्तियों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये स्थिति है, लेकिन हमारा ह्यूमन राइट्स का मुद्दा आगे लेके जाने के लिए भगवान और सामान्य व्यक्ति की तुलना ना करें वही अच्छा होगा। आखिरी मुद्दा है, इक्वली इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा होमवर्क करके आओ, हो सके तो थोड़े से स्टैटिस्टिक्स साथ लेके आओ। कई बार मैंने देखा है कि टीवी पर आने के लिए बहुत शौक होता है लेकिन ये एक्टिविस्ट होमवर्क नहीं करते, मन में जो स्टैटिस्टिक्स आए वो बोल देते हैं।
तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड देम. आई बिकम सो एम्बरास्ड एट टाइम्स कि ये गलत विधान करते हैं, रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, किसी धर्म या जात पर उल्टी सीधी वक्तव्य करते हैं. दूसरा जो मुद्दा है वो एलजीबीटीआई कम्युनिटी के वाचक वर्गों का है. कई बार मुझे फोन या ईमेल आते हैं कि मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ा, ये कोट पढ़ा, आप ये कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये गलत है फैक्चुअली, ये कंप्लेंट्स आते हैं. उनका इंटेंशन अच्छा रहता है, लेकिन उनको ये कोड देने का प्रोसेस, इंटरव्यू देने का प्रोसेस और वो छाप के आने तक का प्रोसेस, इसके बारे में जानकारी नहीं होती. पहला मुद्दा, बारिंग एक्सेप्शंस, रिपोर्टर्स अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू के लिए पर्सनली आके नहीं बैठते. ज्यादा करके कोर्ट्स या इंटरव्यूज फोन पे होते हैं. इसका मतलब ये है कि देर इज अ क्वाइट अ लॉट ऑफ चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन. मैं जब 400 बोलता हूँ वो 600 सुनते हैं, मैं 600 बोलता हूँ वो 400 सुन लेंगे, तो ये फोन पे मिसकम्युनिकेशन होता है. दूसरी बात ये भी है कि ज्यादा करके जर्नलिस्ट लोगों को एलजीबीटीआई इश्यूज पे कॉलेज में सिखाया नहीं जाता. वो 377 पे आर्टिकल करते हैं लेकिन 377 क्या है वो जानते नहीं है. कई जर्नलिस्ट गे और ट्रांसजेंडर में क्या फर्क है ये समझते नहीं है. तब मैं जब कोट देता हूँ, इफ आई यूज द वर्ड गे, वो टाइप करते समय उसका ट्रांसजेंडर बनाएंगे. कभी मैं ट्रांसजेंडर लफ्ज इस्तेमाल करूँ उसका वो गे बनाएंगे. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच कॉजेस मिसअंडरस्टैंडिंग. तीसरा इश्यू ये है कि जब वो इवेंट्स रिपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पुणे एनुअल प्राइड वॉक हो या अद्वैत पुणे क्वियर फिल्म फेस्टिवल हो, यहाँ पे रिपोर्टर 4-5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आते हैं. आने के बाद इमीडिएटली प्रेस नोट मांगते हैं और दो चार उनके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पूछते हैं. आपकी मांगे क्या है, कौन सी संस्था है, ये नाम क्या है, चीफ गेस्ट कौन है, कितने लोग आए हैं, वॉलंटियर्स के नाम क्या है, और वो जल्दी जल्दी लिख के जाते हैं. शाम को जाके वो जो लिखा है वो देख के वो टाइप करके आर्टिकल बनाते हैं, न्यूज़ बनाते हैं. तो वो जो गलतियां लिखने में या पढ़ने में होती है वो फाइनल प्रिंट में आती है. तो बिंदु माधव खिरे का खैरे हो जाता है, टीनेश का दिनेश हो जाता है, शौविक जो एक हमारा वॉलंटियर है वो शौविक छोड़ के उसका नाम कुछ भी छाप के आता है. ये होता है, ये होता है. आंकड़े भी गलत गलत आते हैं. इस पुणे प्राइड में 700 लोग आए थे, एक न्यूज़पेपर ने छापा 100 लोग आए थे. तो इमीडिएटली एक गे युवक ने मुझे फोन किया, सर ये होमोफोबिक है, ये जानबूझकर हमारा नंबर अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, वो पहले से हमारे बाजू से ही लिख रहा है, दे हैव बीन सपोर्टिंग एलजीबीटी राइट्स. लेकिन ये गलतियां होती है. इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में बायसेस नहीं होते, ऐसा नहीं है, प्रेजुडिस नहीं होते, ऐसा नहीं है. कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो हमें स्पेस नहीं देती, हमारे इवेंट्स रिपोर्ट नहीं करती या सिर्फ निगेटिव आर्टिकल छापती है या अनगे करके छापती है. आई रिमेम्बर एलन होलिंगहर्स्ट को जब बुकर प्राइज मिला था तो अंग्रेजी अखबार में इसका गे कॉन्टेक्स्ट दिया था, मराठी न्यूज़पेपर्स ने उसका गे कॉन्टेक्स्ट नहीं मेंशन किया था. ऐसे कई उदाहरण हैं.
बायसेस तो रहते हैं और वो भी आगे मीडिया में आते हैं। उसके बाद होता है एडिटिंग, स्पेस के लिए एडिट किया जाता है, रिपीटेशन है तो उसके लिए एडिट किया जाता है। अगर एडिटिंग अच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो कभी कभार कुछ लाइनें काट दी जाती है बीच में से। कभी कभार ऐसा एडिट किया जाता है कि वो कोट क्या है, ये मेरा कोट मैंने पढ़ने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता। एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इज कुछ अहम वर्ड निगेशन या अफर्मेशन ओमिट किया जाता है, जिससे एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग सामने आता है। ये कभी कभार होता है। इसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट के अपने खुद के बायसेस, खुद का पर्सनल एजेंडा रहता है, तो वो हमारा कोट लेते हैं और किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में कोट करते हैं। दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न द हार्ड वे। एक बार हम सीख जाते हैं तो पता चलता है कि अगर ये जर्नलिस्ट कोट मांग रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जिसका बिल्कुल कवरेज ही नहीं होता, और जो माइनर इवेंट है वो भी प्रेस बड़ा चढ़ा के बताएंगे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पर हमारा रिपोर्टिंग डिपेंडेंट होता है। तो कुछ एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग मुझे बोलते हैं कि आप कंडीशन रखिए कि आप कोड देंगे, जर्नलिस्ट वो टाइप करेंगे, वो मुझे भेजेंगे, मैं उसमें करेक्शन करूंगा, वो मैं उनको भेजूंगा और अप्रूवल दूंगा और वो छापेंगे। दिस इज बारिंग एक्सेप्शंस नॉट पॉसिबल। उनके डेडलाइन होते हैं, ज़्यादा करके 4 बजे 5 बजे शाम को फ़ोन आते हैं, उसी शाम को उनको सबमिशन करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, और स्पेशली जब 377 जैसा केस सुप्रीम कोर्ट में होता है, तब न्यूज़पेपर्स के इतने फ़ोन आते हैं कि हर एक के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, दो बातों के लिए। एक कि अखबार या मैगजीन रिसर्च पेपर नहीं है। आप वो जब पढ़ते हो तो उसमें रिसर्च पेपर की एक्यूरेसी मत ढूंढो। और दूसरी बात, जो कंट्रोल हमारे हाथ में है वो दो ही है। एक, अगर कोई निगेटिव आर्टिकल छाप के आता है तो हम एडिटर को खत लिखें और प्रोटेस्ट करें। हम में से कितने लोग ये करते हैं? लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, तब मैंने अनाउंस किया था फेसबुक पे कि कम से कम 200 लोगों ने उस अखबार को खत लिखने चाहिए कि दे प्रोटेस्ट दिस आर्टिकल, और मुझे कॉपी भेज दो ताकि मैं समझ सकूं कितने लोगों ने लिखे हैं। 3 लोगों ने लिखे, कैसे बदलाव आएगा? और दूसरा हिस्सा है जो मैं करता हूं, मैं पुणे के कुछ जर्नलिज्म एंड मीडिया कम्युनिकेशंस के जो कॉलेजेस है वहाँ जाके कई सालों से फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को एलजीबीटीआई पर सेशन लेता हूँ। डेफिनेशंस, रिलीजियस स्टैंड, मेडिकल स्टैंड, लीगल स्टैंड, 377 इशू, नालसा जजमेंट और मीडिया एंड स्टीरियोटाइप्स, किस तरीके से फोटो आते हैं, क्या वो जो फोटो छाप के आते हैं प्राइड के वो एलजीबीटीआई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है, कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो ये मैं कई सालों से करते आया हूँ एंड आई एम हैप्पी टू से इससे मुझे फर्क भी दिखाई देता है। कभी जर्नलिस्ट मुझे फोन करते हैं, सर आपने 3 साल पहले मेरे एक्स वाई जेड कॉलेज में आपने सेशन लिया था, अभी मैं एलजीबीटी पे आर्टिकल कर रहा हूँ, मुझे कुछ डाउट है, और डाउट पूछते हैं, कभी कोट मांगते हैं।
कभी हेल्प मांगते हैं कि सर एक ट्रांसजेंडर से बात करनी है, आप कोई कांटेक्ट दे सकते हैं, या सवाल पूछते हैं सर LGBTI पे लिख रहा हूँ, इंटरसेक्स के लिए मराठी वर्ड कौन सा है? इट्स गुड इजंट इट? तो ये जरूरी है कि सिर्फ कंप्लेनिंग और रोना धोना करने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप आपके शहर में एक जर्नलिज्म, मीडिया, मास कम्युनिकेशन का एक कॉलेज चुनिए, एक टाइप करके एक इंट्रोडक्शन लेटर HOD को जाके दीजिए, उनसे बोलिए कि आप कम्युनिटी के हो और क्योंकि LGBTI इश्यूज आपके सिलेबस में नहीं है, हम एक लेक्चर करना चाहते हैं। अगर मौका मिले तो होमवर्क कीजिए, आपके दोस्तों के सामने रिहर्सल कीजिए, उनको आपको उल्टे सीधे सवाल पूछने का मौका दीजिए। तैयार होने के बाद, अच्छी तैयारी करने के बाद आप स्टूडेंट्स को जाके आपका सेशन दीजिए। अगर आपका सेशन अच्छा होता है तो अगले साल भी वो आपको बुलाएंगे। अगर आप बकवास करते हो, अगर आप एजेंडा छोड़ के किसी और मुद्दे पे बहस करते हो, तो ऑब्वियसली आपको फिर से बुलाया नहीं जाएगा। तो ये आपका करना जरूरी है। बदलाव करने के लिए आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। एक तो आप ऐसा करो, नहीं तो चुप बैठो। थैंक यू।